हम तुमसे पहले जानना चाहेंगे कि एक फ्लूट का फैमिली का ट्रेडिशन तुम्हारे पास मैं सुना, तुम्हारे दादाजी मैसूर के दोनों ही फ्लूट वादक थे, अभी भी है शायद, अभी भी है, उनसे मेरा परिचय भी हुआ, एक दफ़े आए थे मेरा गाना सुनने के लिए। फिर तुम दुबई गए, फिर MBA बने, फिर नौकरी किया, फिर नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक में तुमको क्या ऐसा चीज़ मिला कि तुमको सीखने का इच्छा हुआ है? बीइंग ए कर्नाटक पर्सन, कर्नाटक म्यूज़िक के खानदान के लोग, तुमको नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक में क्या खास लगा? आई एम आस्किंग वन ऑफ माय स्टूडेंट, हिज नेम इज़ गुरुदत्त शास्त्री, कृष्णमूर्ति। अच्छा, कभी शास्त्री बोलता हूँ, कृष्णमूर्ति बोलता हूँ, तो कृष्ण का मूर्ति, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? गुरुदत्त कृष्णमूर्ति, बोलो, तुम्हारा नॉर्थ इंडियन म्यूजिक का संस्कार बोलो। सबसे पहले मेरे अंतर्हृदय से आपको प्रणाम। बचपन से मेरा परवरिश बॉम्बे में हुआ, तो काफ़ी साल मैं, मेरा 7th स्टैंडर्ड तक बॉम्बे में मेरा रहना हुआ। उससे पहले भी मेरे फैमिली करीब करीब 30 साल बॉम्बे में थे। तो नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक सुनने का एक आदत मेरा वहीं से बना। और बचपन से मेरे घर में, इवन बीइंग फ्रॉम अ साउथ इंडियन म्यूज़िक फैमिली, नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सुनते थे। तो मुझे प्रोग्राम में लेके जाते थे, वो मुंबई में भीमसेन जी का, आपका, रशीद जी का जब कॉन्फ्रेंस होता था, तब से मैं, मेरे दिल में एक इच्छा था कि अगर सीखना है तो आपसे ही सीखना है। वो एक सपने की तरह था, उसके लिए मुझे 24 साल करीब करीब मुझे इंतज़ार करना पड़ा। गुरुजी, नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक के प्रति मेरा खिंचाव बेसिकली सबसे ज़्यादा है, एक है एक जो चैन और ठहराव के साथ जो एक पूरा एक पेशकार होता है ये म्यूज़िक का, वो मेरे को ज़्यादा, मेरे को इसके प्रति इंटरेस्ट अट्रैक्ट करता है। तो ठहराव तो सबसे ज़्यादा विलंबित में होता है जी, क्योंकि विलंबित गायकी जो नॉर्थ इंडियन में म्यूज़िक में एक बहुत ख़ास चीज़ है जी, वो तो कर्नाटक में नहीं है, तो मध्यलय में गाना होता है जी। बहुत विलंबित भी कर्नाटक में होता है गुरुजी, मगर वो हमारा नॉर्थ इंडियन जैसा इतना नहीं, जितना वन नहीं, इतना विलंबित एंड टू कभी नहीं हुआ जी, किसी ने नहीं गाया जी। समन गुड़ी जी से लेके मेरे गुरुजी डॉक्टर बालमुरली कृष्ण तक, महाराज पुरम संथानम जी, लालगुड़ी जी या MSG, जो कि कर्नाटक म्यूज़िक के डॉइन थे और प्रभावशाली कलाकार थे, इन पांचों से मैं बहुत ही प्रभावित हूँ। और देखो, पंडित रविशंकर जी भी या उस्ताद अल्लाह खां खां साहब भी, लय ताल के बारे में कर्नाटक से काफ़ी चीज़ उन्होंने लिया। कर्नाटक म्यूज़िक में बहुत कुछ सीखने का है, जो मैथमेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ताल लय है वो कर्नाटक म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा है जी, और बहुत ही एलिवेटेड है जी। मगर इन बिटवीन जो गैप है वो उतना इम्पैक्ट नहीं कर पाया, बिकॉज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मृदंगम, उसका जो आस है वो तबला जैसे इतना लंबा आस नहीं है, टक बीट खत्म हो जाता है, यहाँ टुम 4-5 सेकेंड तक एस्थेटिक्स क्रिएट, इसका आस जो है, उसका जो जिसको बोलते हैं रेजोनेंस, ये रह जाती है। तो इसमें धन, इस टाइम जो मिला उसमें दिन में दुम करके दिम आता है, एक साउंड आता है, तो सा और रे दोनों बजता है, और बीच में जो है
उसको ज़्यादातर इंडियन नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक में एक्सप्लोर किया है। वेस्टर्न म्यूज़िक में भी इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसीज जो है, जिसके लिए इंडियन म्यूज़िक है, वो उतना प्रभाव उसका नहीं है, बिकॉज ऑफ यूज़ एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। एक केवल मात्र गले से कुछ हद तक हुआ है, मगर क्योंकि साउथ इंडियन वेस्टर्न म्यूज़िक इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट्स एंड आवर म्यूज़िक आवर कंट्रीज म्यूज़िक इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन वोकल म्यूज़िक। जितने कर्नाटक म्यूज़िक के वायलिन वादक है, सभी गविये के साथ बजा के वायलिन सीखा, गाने के साथ बजा के वायलिन को डेवलप किया गया। इसीलिए कर्नाटक वायलिन इज मच 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 मोर हायर देन नॉर्थ इंडियन वायलिन स्टाइल। जैसा वायलिन वादक साउथ में हुआ, ऐसा वायलिन वादक नॉर्थ इंडियन में कभी नहीं मिला। तो इस चीज़ को देखना है कि इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को कितना उन्होंने इस्तेमाल किया, और जल्दी किया या धीरे किया, मीड के साथ किया या गमक के साथ किया। गमक इज फास्टर, मीड इज स्लोअर। तो इसीलिए ये बहुत ही एक रिसर्च की सब्जेक्ट है कि किस हद तक मीड को कितना फास्ट किया जाए ताकि गमक में भी सुर दिखे। तो इसको ये सब चीज़ पे बहुत ही रिसर्च हुआ है, अभी भी हो रहा है। मैं भी इस चीज़ पे बहुत नज़र देने का कोशिश करता हूँ, सीखने का कोशिश किया, और अभी तक कुछ भी नहीं सीखा, बस कोशिश जारी है। और विलंबित की बंदिश की किस तरह गाया जाता है, तुम एक साउथ के फैमिली के लोग हो, इसको हम सुनना चाहते हैं। तुम कौन सा राग गाओगे? यमन। यमन पहला राग, इंडियन म्यूजिक का पहला राग मानते हैं हम यमन को। कौन सा गाना? सुमरन तोरा। तो बस इसको बंदिश 4-5 सेकंड अवचार करके बंदिश सुनाओ, जिस तरह तुम बंदिश निभाते हो दिखाओ।
और लय में होना चाहिए। देखो कैसे इस चीज को हम लोगों को बताना चाहते हैं कि तुम्हारा गाना और मेरा गाना नहीं, या गुलाम अली खान साहब का गाना नहीं। बंदिश जो बंधन है किस तरह होता है, बजाओ मेरे साथ। के साथ, क्योंकि अगर ना गाओ तो कोई हर्जा नहीं। सभी लोग क्या बीट के साथ गाते हैं? नहीं गाते हैं, मगर दैट इज अनएजुकेशन। किसी भी घराने का किसी भी लोग अगर बंदिश में ताल से हट गए तो बंदिश नाम नहीं हो सकता है। देखो क्यों मैं इसको बोलता हूँ, जैसे तू दूत क्या गाते हो, ओ जग में शरम जग मेरे, तो जग में शरम जग मेरी, तो जग में शरम जग मेरी, तो जग में शरम जग मेरे, तो जग में शरम जग मेरी। ये जो तुम गा रहे हो ये बंदिश नहीं, दिस इज उपज, बंदिश की उपज। मैं बोल रहा हूँ बंदिश। दा दिन दिन दा दा तू जग में शरम रख मेरी, तू जग में शरम रख मेरी, तू जग में शरम रख मेरी, तू है सो ही पाक परवर निगार, पाक परवर दिगार, तू जग में शरम रख मेरी, तू जो ही पाक परवर दिगार, तू जग में शरम रख मेरी, तू जग में शरम रख मेरी, तू। इसको बोलते बंदिश। अगर मैं लय में गाता तू जग में शरम रख, ये भी तो बंदिश माना जाता था, नहीं माना जाता है। तू जग में शरम रख, शरम रख, शरम रख मेरी, बंदिश नहीं। तू ऐसो ही बाग परवर दिगार, तू जग में शरम रख, इसको बंदिश नहीं माना जाता। क्यों? शरम रख मेरी, तू ऐसो ही पाक परवर दिगार। तू तो क्या होता है, इसको डिसिप्लिन मानना पड़ता है, इसका पाबंदी मानना पड़ता है कि तू ऐसो ही पाक परवर दिगार। तू इसको बोलते हैं बंदिश। इसी तरह विलंबित में भी तुम इतना दूर हासिल किया, बहुत झपटा क्या क्या सुनाओ। धिन ना दे दे धिन धिन ना ना धिन ना धगन धग दे दे धिन धमा
ललाट पर चंद्रमा ललाट पर सोहे भुजंग घर सोहे भुजंग घर सिर जठा धर सिर जठा मणि धनी मद मम ग रे ग म धनी सा सा चंद्र माल ला ग रे ग नि रे ग प प ग रे ग नि रे सा प म ग म धनी मणि रे मद प प म ग म धनी रे नि रे ग नि सा नि सा प म ग रे सा चंद्र ले मे मद नि ध मद मम ग रे नि रे सा मद ब नि रे सा सा नि ध नि रे सा नि सा प म ग रे सा प सा चंद्र माल ला हां तू ले के साथ देखो लय का जो नियम है उसी को हम राजा मानते हैं। पहले गाने गाने में पहले लय उसके बाद सुर। अगर खाने के जो बर्तन है उसका साइज अगर सही नहीं होगा तो खाना सर्व नहीं हो सकता। तुमको एक प्लेट दिया गया चाय का और सर्व करने के लिए बोला बिरयानी, तुम नहीं दे सकते। तो बिरयानी के लिए जो थाली चाहिए वो बड़ा होगा, चाय के लिए जो कप चाहिए उसका साइज हाँ उसका भी एडजस्ट हो सकता है, छोटा या बहुत छोटा, थोड़ा बड़ा मग के तरह, मगर उससे छोटा उससे बड़ा नहीं हो सकता। पीने का ग्लास गिलास अगर दिया है तो बच्चों का जैसे खिलौने के लिए ऐसा ऐसा गिलास देते हैं वो पीने के लिए नहीं है, या बाल्टी दिया गया नहीं है। तो गाना बंधन रखने के लिए, उसको बंदिश रखने के लिए उसका लय का जगह सबसे पहले निर्वाचन करना पड़ता है। तो ये चीज़ कर्नाटक म्यूज़िक में नहीं है, उसमें ज़्यादातर 90% गाना आदि ताल में गाया जाता है। दूसरे सब कुछ है, चंपा है, चापू ताल है, सब कुछ है, मगर अगर YouTube जाओ और जाके वहाँ 50 म्यूजिशियन को सुनो उसमें 98% तुमको आदिताल मिलेगा। सभी लोग ज़्यादातर आदिताल गाते हैं। तो उस पर जो टक ये लय जो है ये एक्सेप्टेबल लय है, इसीलिए उन लोगों ने चॉइस किया। उन्होंने टक के तक दिन नहीं करते हैं, या तक के तक दिन तक के तक दिन ऐसे नहीं करते हैं। तो मध्य लय जो है, मध्य लय इज एक्सेप्टेबल बाई ऑलमोस्ट ऑल द पीपल, क्योंकि 1 2 3 समझने में आसान होता है। तो इसीलिए मध्य लय को अगर अच्छी तरह तुम और डिटेल में करोगे तो उसका विलंबित हाफ या डबल इस तरह करोगे, ऐसे तुम्हारा बहुत काफ़ी पहले से बहुत ही ठीक हुआ है। और इसको लय को और थोड़ा सा रस के साथ और थोड़ा सा करो। और तुमसे एक गाना, बंगला गाना भी मुझे सुनना है अभी इस एपिसोड में, इस यहाँ तक रहने दो, फिर बंगला गाना नेक्स्ट एपिसोड में सुनेंगे। नमस्कार, आमी कतटा कृपाधन्य विभिन्न गुरुर काछ थेके सेटा आपनारा जदि एकटु भालो करे देखते चान ताहले आमार यूट्यूब चैनेले AJOYCHKRABARTY গিয়ে আপনারা অজয় দ্য ক্রিয়েটার অফ শ্রুতিনন্দন এই নতুন ফিল্মটা আপলোড করা হয়েছে। এই ফিল্মটা গৌতম হালদারের করা এবং গত 17 বছর ধরে এই ফিল্মটা তৈরি হয়েছে। এটা বায়োপিক বলা যায়, আবার না আর বলবো না। আই থিঙ্ক ইউ শুড গো অ্যান্ড সি দ্য ফিল্ম। ইয়ে আপকো শায়দ ये देखने के बाद
ये देखने के बाद शायद मुझे आशीर्वाद करेंगे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका डिटेल दिया हुआ है। नमस्कार।